हेलो बीजीएमआई प्लेयर्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, हमारा पोको का फोन खराब हो गया है, आपको मैं दिखाऊंगा और उसके बाद हम सर्विस सेंटर जाने वाले हैं। देखते हैं कि भाई इस टाइम पे सर्विस सेंटर पे कैसा हाल है 2023 में। अब हम जाने वाले हैं, उसके बाद आपको सारी वीडियो में बताएंगे कि हमें क्या क्या देखने को मिला। हम सर्विस सेंटर गए, उस बंदे ने हमें क्या बोला, क्या हमारे साथ फ्रॉड करा, क्या हमें फोन बदल के दिया या उसने रिपेयर करके दिया। तो आज हम चलने वाले दोबारा पोको की सर्विस पे और देखते हैं भाई पोको की सर्विस कैसे रहने वाली है। तो चलो दोस्तों चलते हैं। तो दोस्तों, ये रहा पोको X3 Pro जो कि भाई हमारा फाइनली ख़राब हो चुका है। इस फ़ोन को यूज़ करते करते अराउंड हमें 1.5 साल से भी ऊपर हो गया था। मुझे नहीं पता था ये फ़ोन अभी वारंटी के अंदर है। इस फ़ोन की वारंटी बढ़ा के 2 साल कर दी गई है। तो हमने सोचा चलो इसको एक बार सर्विस सेंटर लेके आज जाते हैं और देखते हैं भाई कैसा एक्सपीरियंस रहने वाला है हमारा सर्विस सेंटर के अंदर। हम पहली बार जाने वाले हैं सर्विस सेंटर पे, देखते हैं भाई वो क्या बोलते हैं, क्या फ़ोन को एक्सचेंज करते हैं या कोई प्रॉब्लम निकालते हैं फ़ोन के अंदर। ये आप देख सकते हैं, मैं आपको इस फ़ोन का बिल भी दिखा रहा हूँ, आप ये देख सकते हैं। अराउंड भाई 1 साल 6 महीने या 7 महीने के आसपास हो चुका है मुझे फ़ोन यूज़ करते करते। इस फ़ोन की वारंटी बढ़ा के 2 साल की कर दी गई है। तो चलो दोस्तों चलते हैं इस फ़ोन को लेके सर्विस सेंटर पे और मैं आपको फ़ोन दिखाता हूँ। फ़ोन के अंदर बिल्कुल भी स्क्रैच नहीं है, ना ही कोई कैमरे पे स्क्रैच है, ना ही कोई स्क्रीन पे कोई डिफेक्ट हो रखा है। सारे बटन अच्छे से काम कर रहे हैं। और हम गए भाई दिल्ली के अंदर, हम रहते हैं तो हम शकरपुर MI सर्विस सेंटर के अंदर गए और वहाँ पर जाके देखते हैं हमारे साथ क्या होने वाला है, क्या फ़ोन एक्सचेंज करने वाले हैं या रिप्लेस करने वाले हैं या दूसरा फ़ोन देने वाले हैं। हम सर्विस सेंटर के अंदर गए, यहाँ पे ज़्यादा भीड़ हमें देखने को नहीं मिली और हमें कम से कम आधे घंटे का वेट करना पड़ा। आधे घंटे बाद हमें बुलाया गया, उसके बाद हमसे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पूछी गई। मैं आपको आराम से बताता हूँ। सबसे पहले आपको फ़ोन का बिल लेके जाना फ़ोन के साथ और साथ में आपको आधार कार्ड लेके जाना है जिसके नाम का बिल है। तो दोस्तों उसके बाद हमने वीडियो रिकॉर्ड करने की बहुत कोशिश करी लेकिन उन्होंने हमें मना कर दिया कि यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड नहीं होगी और तुम्हारे भाई के पास इतनी सारी चीज़ें नहीं है कि भाई छुपके छुपके वीडियो रिकॉर्ड कर ली जाए। तो उन्होंने मना करा तो हमने रिकॉर्ड नहीं करी। लेकिन मैं आपको आराम से बताता हूँ वहाँ पे क्या क्या हुआ। सबसे पहले उन्होंने हमारा आधार कार्ड देखा और फ़ोन का इनवॉइस देखा, मतलब बिल देखा, और फ़ोन बहुत अच्छे से देखा, उसके अंदर चेक करा कि भाई कोई कैमरे में प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई इसके अंदर कोई इशू तो मेरे को देखने को नहीं मिला। मतलब बॉडी में थोड़ा सा भी डैमेज हुआ है, कुछ भी होगा तो ये बिल्कुल पंखा निकालने वाले हैं सर्विस सेंटर वाले। लेकिन मेरे फ़ोन में कोई ज़्यादा इशू बिल्कुल भी स्क्रैच नहीं था फ़ोन के अंदर, ना ही कोई इशू ऐसा था कि भाई फ़ोन टूटा हो या कुछ भी। ये मेरी किस्मत थी कि फ़ोन को कुछ भी नहीं हुआ था, हम 1.5 साल से यूज़ कर रहे थे। और फ़ोन दोस्तों बंद भी ऐसे ही हुआ कि भाई हमने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके BGMI का रिकॉर्ड कर रहे थे और भाई फ़ोन कुछ ज़्यादा ही हीट होने लग गया तो वो अचानक से बंद हो गया फ़ोन चलते चलते। तो दोस्तों ये है कि भाई पोको के फ़ोन में अगर बहुत ज़्यादा हीट होने लग जाए तब भी आप प्रेशर डालोगे फ़ोन के अंदर तो भाई पोको के फ़ोन बिल्कुल ऐसे बंद हो सकते हैं, ये हमने इस बार एक्सपीरियंस कर लिया। तो दोस्तों हमने फ़ोन उन्हें दिया, उन्होंने कहा कि भाई अगर हम फ़ोन चेक करेंगे अंदर से, उन्हें कुछ नहीं पता लगा कि क्या इशू है फ़ोन के अंदर, तो उन्होंने कहा कि हम अंदर से पहले फ़ोन को चेक करेंगे फिर आपको बताएंगे कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, अगर कोई ऐसा इशू होगा तो वो सही करके दे देंगे। अगर अंदर कोई पानी वानी हमें देखने को मिला या कोई नीचे गिरने के बाद कोई डिफेक्ट हुआ तो हम फ़ोन को सही नहीं करेंगे, आपको वापस कर देंगे, उन्होंने ऐसा हमें कहा था। तो हमने उन्हें फ़ोन दे दिया, उन्होंने हमें एक सर्विस ऑर्डर का एक बिल दे दिया जो कि मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ, वो आप देख सकते हैं। तो उन्होंने हमें ये बिल दे दिया, कहा कि आपको कम से कम 15 दिन के अंदर अंदर आपको फ़ोन करेंगे और आपको बताएंगे कि आपका फ़ोन सही हुआ कि नहीं हुआ, तो आप अपना फ़ोन आके ले जाना। तो दोस्तों मैं वैसे बताऊँ मेरे फ़ोन में कोई ज़्यादा इशू देखने को नहीं मिला। मुझे पता है कि काफ़ी ज़्यादा बंदे होते हैं भाई, काफ़ी ज़्यादा क्या सेम मैक्सिमम लोगों का भाई फ़ोन कुछ ना कुछ तो गिर ही जाता है, तो टूट जाता है, थोड़ा सा कोई स्क्रैच पड़ जाता है, ऐसा हो जाता है। तो मुझे पता है कि भाई कई सारे लोगों ने वीडियो भी बनाई है अपने फ़ोनों की कि भाई हमारा पोको X3 Pro डेड हो गया, ना ही सही करा उन्होंने, सही करके दिया ना ही फ़ोन हमें एक्सचेंज करके दिया, क्योंकि उनके फ़ोन में थोड़ा बहुत चोट लग गई है या तो टूट गया है थोड़ा सा, कहीं से स्क्रैच आ गया, तो उन्होंने फ़ोन वापस नहीं लिए। ये पोको की बहुत गलत बात आया जो मुझे भी नहीं अच्छी लगी, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरा फ़ोन बिल्कुल सही था, कोई भी मुझे इशू उसमें देखने को नहीं मिला, बस चलते चलते फ़ोन बंद हो गया था। तो उन्होंने फ़ोन ले लिया हमें, तो उन्होंने हमें 5 दिन के अंदर अंदर हमें फ़ोन कर दिया था उन्होंने, और उन्होंने कहा कि फ़ोन के अंदर अपडेट हमने करके दे दिया है आपको। उन्होंने हमें साफ साफ कहा कि आप फ़ोन को अपडेट बिल्कुल मत करना है, दोबारा बंद हो सकता है, ख़राब हो सकता है। तो दोस्तों अभी फ़ोन अंदर वारंटी के अंदर था तो हमने उन्हें फ़ोन वापस हमसे लेने के लिए हम गए थे उनके पास और हमने उनसे फ़ोन वापस लिया। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, मैंने वीडियो लगाई है आपके लिए कि हमने वहाँ से स्क्रीन से फ़ोन वापस लिया, सॉरी सर्विस सेंटर से, उसके बाद हम वापस घर आ गए। तो
तो मेरी किस्मत बढ़िया थी कि फ़ोन हमें सही सलामत मिल गया, सही कर दिया उन्होंने। शायद मुझे लगता है थोड़ा बहुत इशू हुआ होगा अंदर मदरबोर्ड के अंदर, जो कि उन्होंने सही कर दिया। लेकिन अब मैं इस फ़ोन से बिल्कुल भी गेमिंग नहीं करने वाला हूँ। इस फ़ोन को मैं एक्सचेंज में या तो कैशिफाई पे इस फ़ोन को बेचने वाला हूँ। चाहे मुझे 5,000 मिले चाहे 6,000 मिले, मैं इस फ़ोन को वापस करने वाला हूँ, मतलब इसको सेल करने वाला हूँ। इसको अपने पास नहीं रखूँगा, क्योंकि कोई भरोसा नहीं भाई ये दोबारा कब बंद हो जाए। और भाई पोको के फ़ोन लेना भाई बहुत मुश्किल हो गया भाई। दिमाग में अगर सोचो भी लो ना, जिनके फ़ोन ख़राब हुए हैं ना भाई, उनसे पूछो भाई, उनके 20,000 रुपये ख़राब हुए, वेस्ट चले गए यार। उनको भाई बिल्कुल भी सर्विस अच्छे से नहीं मिली, तो वो दोबारा पोको की तरफ जाना बहुत ही मुश्किल है यार। मुझे खुद अगर मैं पोको का फ़ोन लेने की सोचूंगा तो मैं 10 बार सोचूंगा भाई लूँ कि नहीं लूँ। भाई इन्होंने इतने मेरे पैसे ख़राब कर दिए, ना ही मुझे कुछ बढ़िया सा कुछ ऐसा करने को दिया। वैसे मेरे साथ तो कुछ ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन मैं दूसरे बंदों के बारे में सोच के जो मैं महसूस कर रहा हूँ कि अगर मेरे फ़ोन के साथ भी ऐसा होता तो मैं भी शायद ऐसे ही सोचता कि फ़ोन इन्होंने बिल्कुल ख़राब करके हमें दिया। भाई इनकी गलती है, हमारी गलती तो कुछ है नहीं इसमें। अपने आप फ़ोन बंद हो रहा था, इन्हीं को ही सही करके देना चाहिए, तो रिप्लेस करके दूसरा फ़ोन देना चाहिए। कुछ ही बंदे हैं जिन्हें भाई रिप्लेस करके फ़ोन मिला, जिनका फ़ोन बिल्कुल बिल्कुल नया का नया था, जिसपे कोई भी स्क्रैच नहीं है। जिनके फ़ोनों में थोड़ा सा भी स्क्रैच है या स्क्रीन टूटी हुई है, उन्हें रिप्लेस करके नहीं दिया है। भाई फ़ोन स्क्रीन टूटी है, रिप्लेस क्यों नहीं करा है भाई? भाई तुम्हारी तरफ से ही फ़ोन बंद हुआ है, पहले तो फ़ोन चल ही रहा था चाहे स्क्रीन टूटी हो या ना टूटी हो। फ़ोन तो भाई तुम्हारी तरफ से बंद हुआ है भाई अपडेट करने के बाद। ना ही पोको वालों ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ली ना कुछ लिया दोस्तों। इन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी, अच्छे से फ़ोन रिप्लेस करने चाहिए थे जिन जिन लोगों के फ़ोन ख़राब हुए, तभी भाई लोगों ने इनके ऊपर ट्रस्ट करना बंद कर दिया। कई बंदे तो भाई फ़ोन बिल्कुल नहीं लेते, काफ़ी मजाक भी उड़ता है अब इनके ब्रांड का। तो दोस्तों ऐसा होने भी चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ फ़ोन ही नहीं लेने चाहिए इनके तो। तो दोस्तों मेरा एक्सपीरियंस 2023 में सर्विस सेंटर पे MI के थोड़ा सा सही रहा, बुरा नहीं बोलेंगे, सही रहा। क्योंकि मेरा फ़ोन सही करके दे दिया, तो भाई जिसका फ़ोन सही हो जाएगा उसे तो बढ़िया ही लगेगा। लेकिन जिन लोगों के फ़ोन ख़राब हुए हैं दोस्तों, उनके लिए भाई अच्छी बात नहीं है। पोको के ब्रांड पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए इस टाइम पे। तो दोस्तों यही था 2023 का एक्सपीरियंस मेरा सर्विस सेंटर का, जो कि मैंने आपको बताया। तो दोस्तों ये वीडियो थोड़ी सी भी आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।